दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से बीजेपी को मिली करारी हार के बाद काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपना बयान दिया है। विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि दिल्ली में व्यापारिक सोच के लोगों के अलावा राजनीतिक और देश के अलावा देश की चिंता नहीं कर रहे हैं। अपने लाभ के लिए दूसरी पार्टियों को वोट देकर देश के विकास में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और साथ ही विधायक हरभजन सिंह चीमा ने यह भी कहा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने लोगों को प्रलोभन कर अपनी तरफ किया है, उससे देश का भला होने वाला नहीं है। विधायक चीमा ने यह भी कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी लोग 370 धारा हटाने को बहुत बड़ी चुनौती मानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को भारत का अंग बना लिया। सवाल इसी का है, वो दिल्ली में जो चुनाव हुआ है, दिल्ली पूरे देश का एक केंद्र है और वहाँ पर गलत तो ये हो गया कि जो विपक्षी पार्टी है उसको निशान गलत मिल गया। वो झाड़ू का निशान जो है बीजेपी को वारा नहीं खाता, इसलिए वहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं वो अभी असल में सही मानों में बीजेपी को समझ नहीं पाए। बीजेपी की समझ जो है कुछ पढ़े लिखे उच्च विचारों वाले ऊंची धारणा वाले लोगों में एकदम से आती है कि भाई जो बीजेपी कर रही है, जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो देश हित में इतना है कि आज तक 70 साल मतलब होने को हो गए किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।